पानी मिला? बहुत खुशी है कि इतनी सारी फिल्में सब अच्छी हैं, जिसमें से मेरी भी है इस साल, और आई लुक फॉरवर्ड कि एक अच्छी इवनिंग हो एंड सलमान गेट्स लॉट्स ऑफ अवार्ड्स। नहीं, एक्चुअली ये सही नहीं है, क्योंकि अभी सब्जेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ और 100% एक्शन नहीं है, क्योंकि एक्शन बनाऊंगा नहीं मैं, पता नहीं कहाँ से ये रूमर आया है, बट डेफिनेटली आई विल मेक विद सलमान। या बिल्कुल, आई एम हैप्पी बिकॉज शुरू से मुझे मालूम था कि एक फैमिली फिल्म है और आई न्यू आई एम केटरिंग टू एन ऑडियंस विच इज़ बेसिकली फैमिली, और एक बहुत इच्छा थी कि सलमान के साथ एक ऐसी फिल्म बनाए जहां फुल परिवार एक साथ देखे। सो दिस इज़ माय बिगेस्ट सक्सेस टिल डेट एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट लोगों को पसंद आई है एंड हाँ बिल्कुल ज़रूर, क्योंकि इतनी कहानियाँ हैं, इतने किरदार हैं, बट कहीं ना कहीं मेरी रुचि हमेशा फैमिली को लेकर रहती है, क्योंकि इतनी कहानियाँ बाकी है कहने को, ये ज़रूरी नहीं कि जॉइंट फैमिली हो सब, बट इवन एज अ न्यूक्लियर फैमिली इतनी कहानियाँ हैं, तो मैं चाहूँगा कि फैमिली का जोन कंटिन्यू रहे एंड आई वॉन्ट टू मेक मोर एंड मोर। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि आई बी नॉमिनेटेड एज द बेस्ट कंपोजर फॉर माई फिल्म दम लगा के हईशा। अवार्ड्स की बात कर रहे हैं तो यू नो जी इज़ अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग अवार्ड एंड इन टर्म्स ऑफ फेयर प्ले इट्स बीन लेजेंडरी। मेरा पहला अवार्ड था मैं हूँ ना, उससे पहले शायद अकेले हम अकेले तुम, आई थिंक अकेले हम अकेले तो वॉज 1996 एंड देन 2005 वॉज मैं हूँ ना। अब आज इतने दस साल बाद मुझे नॉमिनेट किया है। आई बी नॉमिनेटेड बिफोर, बट अब देखो क्या होता है। एंड आई हैव कॉम्पिटिशन इन बाजीराव मस्तानी विच इज़ फैंटास्टिक म्यूजिक, रॉय विच इज़ अगेन वेरी गुड म्यूजिक, देर इज़ तमाशा विद ए आर रहमान विच इज़ फैंटास्टिक म्यूजिक। सो मैं भी उनमें से हूँ और मे द बेस्ट विन इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, इन टर्म्स ऑफ फिल्म। कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी फैंटास्टिकली टफ। देखो क्या होता है, मेरा गाना जो बहुत लोकप्रिय हुआ है वो है मोमो के धागे एंड दर्द करारा।
एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द अवार्ड. आप लोग दुआ करो मेरे लिए, इसलिए मैं गा रहा हूँ, अभी गुनगुना रहा हूँ. क्या पता है गाने गुनगुनाने से कुछ हो जाए. ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे किस तरह गिरहा ये सुलझे. दिस इज फ्रॉम वायर फिल्म्स. आदित्य चोपड़ा साहब दम लगा के हैशा, डायरेक्टेड बाय शरद कटारिया, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. आई एम हियर. आने दो. सब अंदर जाओ ना. जी मैं आज रेड कार्पेट होस्ट कर रहा हूँ एंड दैट इज़ व्हाई आई एम हियर. जी सेर अवार्ड्स है, जी का अवार्ड्स है. सो जी इज़ लाइक अ फैमिली नाउ एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस अवार्ड्स. सो वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट. देखिए आज अवार्ड्स का पता नहीं, आई थिंक आई एम मोर एक्साइटेड अबाउट द परफॉर्मेंसेज. बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं आज. रणवीर इज परफॉर्मिंग, सोनाक्षी इज परफॉर्मिंग, आई बिलीव अनिल कपूर इज परफॉर्मिंग, करण जौहर एंड शाहिदा होस्टिंग, सो दैट शुड बी ग्रेट. बहुत कुछ है देखने के लिए. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट्स गोना हैपन टुनाइट. हाँ जी देखिए फिलहाल तो टेलीविजन पे कुछ नहीं कर रहा, बट डेफिनेटली वॉइस सीजन 2 आ रहा है. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. वॉइस का जो सीजन 1 था जो जी के ही सिस्टर कंसर्न चैनल पे था, एंड पर था, तो बहुत अच्छा था. सो सीजन 2 शुड बी गुड. जी आई थिंक आजकल जितने भी सीरियल्स बन रहे हैं बड़े सांपों और नागिनों के साथ बन रहे हैं, तो फिलहाल देयर इज नथिंग दैट आई वांट टू डू, बट मे बी इन ड्यू टाइम. Women will be working and the men? देखिए एक वक्त था जब सारी वेमेन लड़ती थी वेमेन एम्पावरमेंट के लिए. आई थिंक द जो जमाना है वो बदल रहा है. आई थिंक द मैन आर फाइटिंग फॉर ऑल द कम्फर्ट एंड द लग्जरीज नाउ, विच इज प्रीटी कूल. मैंने की और काका ट्रेलर देखा, आई बिलीव आप उस चीज़ की बात कर रहे हैं. तो बहुत ही क्यूट ट्रेलर है ऑफ अर्जुन कपूर एंड करीना. आई थिंक इट्स गोना बी अ रियली कूल फिल्म. सो अच्छा यार, आई थिंक हाई टाइम दैट जितने भी लड़के हैं, जितने भी हस्बैंड्स हैं, दे कैन टेक अ बैक सीट एंड हैव अ गुड टाइम. और जितने भी औरतें हैं, दे शुड मेक द मनी एंड यू नो द हस्बैंड शुड जस्ट लुक प्रीटी एंड चिल. हाँ जी कितना मज़ा आएगा ना यार, अगर ऐसा हो जाए कि मतलब घर पे बैठा हूँ पूरे दिन और कुछ नहीं करने के लिए. आई थिंक आई वुड जस्ट चिल आउट एंड लुक प्रीटी, आई कुक अ नाइस मील, आई एम अ गुड कुक, तो मैं वो कर लेता. आई वुड वेट माय ब्यूटीफुल वाइफ कम होम. बट अदर देन जोक्स अबाउट, ऑनेस्टली आई थिंक यू नो आई एंजॉय वर्किंग, सो इट्स नॉट अबाउट द मनी, बट यू एंजॉय वर्किंग, सो यू वांट टू वर्क. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.
from CNN IBN. He's from Sonia Sharma's team. Well, mere teen students hai, Sonakshi, Shahid aur Sushant. Mere teen students hai aur ye yahan ye platform pe perform kar raha hai. So I'm extremely nervous and excited. और मेरा रणवीर वन ऑफ माय फेवरेट परफॉर्मर्स भी है एंड अनिल कपूर क्या बोलूं मैं उसका लेजेंड यस बट आई एम हैप्पी बिकॉज मुझे अच्छा लगता है ये मेरा काम है एजुकेशन भी मेरा काम है तो मुझे बहुत खुशी लगती है यस I think, who is it? Yeah, she's the best. Deepika is absolutely fantastic. Deepika, Alia, good dancers, must say. Man, Ranveer is fabulous. Sushant is superb. Varun, also my student. So, I'm very happy. No, I'm not directing the film. Thank you, maaf kijiye mujhe. Thank you. Jaga Jasus. Oops. Well, actually, मैं एक फिल्म कर रहा हूँ जगह जासूस अनुराग बासु के साथ और रणबीर कपूर और कटरीना What kind of choreography? I think शामक style वो छापा है ना वो ही है इंडो कंटेम्प्री स्टाइल ओके थैंक यू बिना शक के थैंक यू आपकी दुआएं बस रहनी चाहिए थैंक यू सो मच बहुत ही खूबसूरत बहुत ही सुंदर एंड आई थिंक द ईयर काइंड ऑफ एंडेड ऑन बाजीराव मस्तानी एंड उसके तीनों गाने नॉमिनेट हुए तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दिस हैज़ बीन अ स्पेक्टेकुलर यू नो आई सेड रिच म्यूजिक का साल रहा है सो आई थिंक आई एम रियली हैप्पी थैंक यू सो मच बट आई फील रियली ऑनर्ड एंड हम्बल्ड बाय द नॉमिनेशंस क्योंकि कभी बहुत रेयरली ऐसा हुआ कि सेम फिल्म के तीनों गाने या सब गाने नॉमिनेट हुए हो ये पहली बार हो रहा है मेरे साथ सो आई एम रियली हैप्पी दीवानी मस्तानी डेफिनेटली हो मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई थैंक यू कुड यू जस्ट लाउडर आई थिंक इस साल बहुत खूबसूरत गाने आए हैं और बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ें आई हैं मेरे साथ जो और भी नॉमिनेशन है उसमें मोनाली का गाना है मोह मोह के धागे मुझे बहुत पसंद है वो गाना आई रियली एक्चुअली डोंट नो विच आर द अदर सॉन्ग विच हैव बीन नॉमिनेटेड ये मुझे पता है आई थिंक दिस ईयर हैज़ बीन अ ईयर ऑफ सोलफुल म्यूजिक बहुत अच्छे गाने अच्छी आवाज़ें आई हैं सो ऑल माई बेस्ट विशेज टू एवरी वन थैंक यू एब्सोल्युटली यस वेल रिसेंटली वैलेंटाइंस डे पे मेरा सॉन्ग हो गई है मोहब्बत उसका रिप्राइज वर्जन रिलीज़ हुआ था इट्स डन वेरी वेल और मुझे गाने का नाम है हो गई है मोहब्बत एंड बहुत मोहब्बत मिली है सबसे और रिसेंटली आई परफॉर्म द काला घोड़ा फेस्टिवल आई रियली हैड अ लवली टाइम परफॉर्मिंग देयर थैंक यू सो मच थैंक यू नमस्कार किसको है अवार्ड थैंक यू वेरी मच होपफुली बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें क्या है मायने इसलिए रखता है कि किसी भी किसी को हौसला मिलता है इंस्पिरेशन मिलता है पीपल गेट इंस्पायर्ड
अरे वेरी गुड, वापस आ रहे वो नए चैनल पे शो लेके आ रहे हैं, तो वी ऑल वी विश ऑल द बेस्ट टू कपिल, तो ऐसा ही सुपर हिट चलता रहे उनका शो। ऑफकोर्स वाई नॉट, यस ऑल आइडिया। हाय गुड इवनिंग, पता नहीं मैं तो ऐसे पहनती हूँ नहीं, शायद आपने पहली बार देखा मुझे एक्सपेरिमेंट करते, बट आई एम ऑलवेज इन डिफरेंट अवतार्स इन माय लाइफ। या अगर मुझे पता था तो क्या बात, नहीं आई डोंट नो दैट नॉमिनेशन मिला है, खुश हूँ। आई हैव जस्ट कम टू एक्सपीरियंस दिस वंडरफुल गॉर्जियस ग्लैमरस नाइट एंड इट्स गोना बी अ ग्लैमरस नाइट। श्योर वाई नॉट, तू हो गया जरा पागल, तूने मुझको है चुना, कैसे तूने अनकहा, तूने अनकहा सब सुना, तू हो गया जरा पागल, तूने मुझको है चुना। मैंने फास्ट फॉरवर्ड में गाया आपके लिए लिटरली, थैंक यू सो मच। आई होप सो, जो मूवीज आए उसके बाद एक किया था, बट आई डोंट नो व्हेन इट्स रिलीजिंग, बहुत टाइम से पड़ा हुआ है, बट आई होप दैट आई डू गेट अ गुड मूवी। या हर चीज़ में क्यों नहीं, अगर आता है तो क्यों नहीं, और सही टाइम पे आई एम श्योर दैट बोथ विल गेट इक्वली एंड नाइसली बैलेंस्ड। आई आई सॉ इट्स हर ओनली, यस व्हाई नॉट।